मुनीलाल जी का कौन उत्तराधिकारी? पटेल के पापा जी, उनका असली उत्तराधिकारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, इसलिए उनसे हम लोग जुड़े हैं। और वो गलत गलत तरीके से गठबंधन, जिससे उनकी बहन जो पल्लवी पटेल आज कैमरावादी बना हुआ है, अननेसेसरी गठबंधन बना रही है, तमाम दुनिया के लोगों के जोड़ रही हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं सर। वो सब लोग नकार चुका है, जान रहा कि आगे कोई है, लेकिन विलन नहीं किया है भाजपा में, अपना पार्टी खड़ी की है ना। वो MSP चाचा क्या होता है फसल पे? MSP बड़ा लड़ाई हो रहा है चाचा। सरकार का रेट जो है 22.75 है, लेकिन किसान बेच रहा है 24 का गेहूँ बेच रहा है इस समय ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट 24 का बेच रहा है, जो समर्थन मूल्य 22.75 है। तब का चाहते हो? नहीं नहीं, वह कि ढंग से जैसे मिला था तैसे मिलता रहा है बराबर। अभी इस यहाँ पे फिलहाल में हम लोग इस गांव में गए हैं, सब लोग रो रहे हैं, घर टूटा हुआ है। हमारे लिए कम से कम मकान बन जाए, सरकार बहुत आई, मकान अभी बना नहीं, खाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? जो सर पात्र है उस लायक सरकार के आवेदन करे, प्रधान से आवेदन करे, प्रधान नहीं सुनता, BDC को करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सर आवास तो सबको जो जो पात्र है उनको आवास आ रहा है। लड़का 60,000 1,00,000 रुपया महीना कमाए लगे इनका लड़का, हर जोते तुरंत 2,500 कमाता रहा। अब बताओ तो का कर जाओ? चार लड़कन के पढ़ा लिखा के टाइट कर ले, जब चलो लड़का सर्विस लगन करे, काम लगन करे, तब बाप के 2 रुपया के मंगा कर दो। वो तो मोदी सरकार का राज आए कि 4 अथवा 6,000 रुपया किसानन के खाते में डायरेक्ट लगा दे। ललनटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। हर नहीं जोते, चाहे भैंस नहीं चराओ, चाहे गोरु नहीं चराओ, 4 लड़का पैदा भेलन, 10 पैदा भेलन, तो कितना नौकरी दे भाई। तो क्या नाम बड़ी आपका? लाल बर्ती सिंह। मेरा नाम सिद्धांत है, चाचा का नाम लाल बर्ती सिंह है। कैमरे के पीछे हैं असद और गाड़ी चलाने वाले हमारे माधव जी, उनके पीछे खड़े हैं। गर्मी बहुत है और ये है मिर्ज़ापुर लोकसभा, गांव का नाम है अतरौली कला। खुर्द आगे पड़ी, खुर्द ओंजे पड़ी। अच्छा, अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ गया हो तो मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा उतर गया हूँ, अपने लोक में थोड़ा सा उतर गया हूँ, क्योंकि इन्हीं इलाकों का मैं रहने वाला हूँ, यहीं पला बढ़ा, पैदाइश हुई, पढ़ाई हुई, तो अपनी भाषा ज़्यादा बोलूँगा, अपनी भाषा ज़्यादा बोलूँगा। असद का ये डायरेक्टिव आया कि माइक थोड़ा सा मुँह के पास रखना है, तो अपनी भाषा थोड़ी ज़्यादा बोलूँगा। गांव के लोग हैं, और अगर डिमार्क करना हो मिर्ज़ापुर लोकसभा को, तो अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता, सांसद, 2 बार की सांसद, इस बार फिर से मैदान में हैं। उनके सामने है रमेश बिंद सपा के टिकट पे, और 2 बार से अनुप्रिया पटेल जब लोकसभा पहुंच रही हैं, तो 2 बार से उन्हें बार बार रहा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, सॉरी 2 बार से उन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल रहा है, उसके साथ गठबंधन में हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अनुप्रिया पटेल चर्चा में हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव का तो आखिरी लेग है, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ एक बयान दिया, जिसके बाद रघुराज प्रताप सिंह ने भी बयान दिया, और इसके बाद थोड़ी सी टसल देखने को मिली। और अब अनुप्रिया पटेल, जैसा पत्रकार और सूत्र बताते हैं, कि कंचित रूप से शांत दिखाई दे रही हैं। उसके बाद राजा भैया के अटैक के बाद, राजा भैया के प्रति उत्तर के बाद, अनुप्रिया पटेल की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। और इस आइडेंटिटी को साफ करना हो तो अतरौली कला, जिस गाँव में हम बैठे हैं, ये कुर्मी बहुल गाँव है, कुर्मी ज़्यादा रहते हैं, यानी वो लोग जिसका वोट बेस ज़्यादा समय तक अनुप्रिया पटेल के, ज़्यादातर अनुप्रिया पटेल के पास रहा है, अधिकतर हिस्सा कहा जाता है कि वो अनुप्रिया पटेल को वोट करता रहा है। हम इन लोगों से बात करेंगे, हो सकता है कि इस भीड़ में कुर्मी समाज के अलावा कुछ और समाज के भी लोग हों, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनके कंसर्न समझेंगे, अनुप्रिया पटेल से क्या शिकायत है, क्या शिकायत नहीं है, इसको भी डेवलप करने की इस बातचीत में कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ। लाल बर्ती सिंह, अच्छा ये बताया जाए, गर्मी बहुत पड़ा तो गर्मी बा, कितना उम्र हो जाएगी आपका? 84 वर्ष का अवस्था बा। 84? अच्छा, कितना चुनाव देख चुके चाचा आप तक? अरे 21 वर्ष के भाव गए, तब से चुनाव तक देखा भाई, कांग्रेस का देखल गया, सपा का देखल गया, भाजपा के जनसंघ पहले रहा रहल ना, पहले सोशलिस्ट पार्टी रहल, तो बहुत चुनाव मन देखल गल बा। आप का करल जाए चाचा? हम तो खेती बाड़ी का काम करेला। खेती बाड़ी चाचा आप इनके उम्र के बराबर लगत हुआ आप? 90 है के ऊपर है, 94 95 हुआ आप? हाँ,
उनके सर्टिफिकेट बा उनके पास नहीं बा हमारे तमाम सर जेठा है हम जानते भी नहीं एकदम फिट हूं हाँ, फिट है हम ही तो चल जाइए बनारस तक के पैदल चल जाइए बनारस पैदल चाचा आप काहे चल जाब गोलवा चले बा हां गोलवा है ना बा गोलवा है ना बा आप एकदम फिट हुआ हां कल करो का करेला फिट रहे बड़े चाचा आप खान पान का व्यवस्था ठीक बहुत का हम तो इतना भैया हमार गोड़ वोड़ पिराए लगे तो कमर पिराए लगे तो गाड़ी में बैठे आप का करल जाला कि इतना फिट हुआ आप कुछ तो प्राकृतिक देन होला ना भाई ना कुदारी खरल जाला फरसा से मट्टी हाँ कुदारी चलाई जाला हाँ सारे हम लोग कर जाता खेती ना कर जाता हम लोग हर जोत रहे हमने बरसा से पुरवा ठकले भाई मोह ठकले भाई सब कुछ कर गल मामले हमने अब नहीं निकल जा बंद हो गया भाई सब काम हम वो करे लगे तो हम वो फिट हो जाए आपके लगे अब क्या कर भाई नहीं अब आपसे कहीं ना हुई अब ना हुई और पहले से कर लिया ला पहले से ये हम जैसे हमान हाई स्कूल के बाद में हम पीडीएनडी से हाई स्कूल के लिए ही अच्छा आपके पीडीएनडी चुनार हाँ चुनार में तो वो समय जब छोड़ देवल गल स्कूल हमारे के ऊपर कोई देखभाल करे वाला नहीं रहा खेती है मन के मुख्य संबंध में आए तो खेती लगल गल करे तब से खेती कल जाए बा हर वाह रख के आदमी दिन के बाद दौलत मतलब अपने तक कल नहीं गल लेकिन करावल गल खेती डट के हुई आज भी वह गति बाबा बाबा करवेले हुई है ना हाँ बाबू करावत रहा उनके बाद में हम ही कराएँ खेती जैसे हर वाह परमानेंट रखल जाए बारह महीना के हर वाह रखल जाओ उनसे खेती करावल जाए अपनों रहा जाओ वहीं में लपटल रहा जाओ बराबर खेती में यहाँ पे अतरौली में काका होला यही इलाका में बलिया चट्टी अतरौली कुल मिला के कौन कौन यार का खेती है मुख्य पैसा खेती यानी काका का फसल उगला गेहूं और धान गेहूं धान मुख्य फसल यहाँ मुख्य यहाँ के पैदा गेहूं और धान हो और उसी तरह सब होत बा कुछ आलू पैदा होला कुछ गोभी पैदा हो जाता बा कुछ सब्जी हो जाता कुछ अरहर हो जाता लेकिन मुख्य फसल यहाँ के धान और गेहूं बीज बीज सही रेट पे मिला तो मैं अभी वहाँ से इनके राज में तो करीब मिला था बढ़िया तो खाद बढ़िया मिला था कोई के बहुत दौड़े के जरूरत नहीं खाद मिल जाता जरा और डाई खाद यूरिया खाद यानी खादी का कमी नहीं पड़ा था लोगों के किसान नहीं पड़ा था ना किसान के दौड़े के होता नहीं होता अच्छा और चाचा लोग बतावत हैं कि ये यूरिया और डीएपी का बोरिया का दाम बहुत बढ़ गए लो सही भैलो और से बतिया लो नहीं से आप बोल जाए आप बड़ा हुआ ना नहीं हमने तो जान भाई हमने के बहुत दिन से बहुत खादी खाई जल कर आज कितना होगा बोरी का दाम अब बाकी मजदूरी बा हम लोग के लिखा जाए कि बा कि जब मजदूरी खरे के खरीदे पड़े ला मजदूर के पैसा देवे के हां तब ना जब खेती बाड़ी कोई हाला रोजगार नहीं बा खेती से मजदूरी बा तो जितना पैदा हुई के अनुसार से काम कर रहे हां दाम का कीमत बढ़ा ला जरूर लेकिन ओकरे अनुपात पर हर एक चीज का दाम बढ़ा लाओ जैसे गेहूं का दाम बढ़ा गेहूं 9 रुपया मन बिकत रहा 9-18-20 रुपया कुंटल के यानी 80-60 रुपया कुंटल के गेहूं हम बेच चुके ली अब आज जनहतन 25-26 तक पहुँचल हो 25-26 100 और 18-20 रुपया रहा तो उनका अनुपात बढ़ा तो हर एक चीज़ दाम बढ़बे करी दाम बढ़ल तो एको दाम बढ़ल दाम बढ़ी कि नहीं बढ़ी बढ़ी नहीं सबके नौकरी वो समय 30 रुपया 28 रुपया पर प्राइमरी के मास्टर 26 रुपया पर काम करते रहो आज 1,00,000 रुपया पर काम करते हैं पैसा आई कहाँ से सरकार पैसा कहाँ से आई चाहे कोई का राज हो मोदी का राज जैसे इतना बढ़िया सड़क बनवौलन रेलवे लाइन निकालता है सबके घर घर रोटी देता है नल देता है पानी देता है कपड़ा देता है गल्ला देता है तो आई कहाँ से मंगाई है बड़ी कपड़ा थोड़े बांटत कपड़ा नहीं बांटत तो कम से कम रोटी तो बांटत बहन अनाज दे अनाज गेहूँ तो देता है अनाज तो पहले मिलत रहें चाचा कंट्रोल से राशन कार्ड तो पहले ही रहा नहीं नहीं पहले नहीं मिलत रहा पहले रहा तो कहीं से पहले कहीं नहीं मिलत रहा पहले रहा ना जैसे सूखा जब पड़ जाए तो कहे सरकार के अमेरिका से मंगोले बा कहे ललकी जोनहरी हो तो उस समय भुखमरी रहा ललकी या जोनहरी पर लोटी कत रहा और सबके वो न मिले जे गांव के दमंग मंगोगे बढ़िया उसके मिल जाए और गरीब के उसे न मिले
तो का महंगाई बढ़ल गुआ में मारो होते रहे मारो तो होते रह एक अनुपात पर का बढ़ल यूरिया के दाम न बढ़ी तो के 1,00,000 रुपया महीना चाहता तो आई कहाँ से दाम बढ़ाए की पड़ी दाम बढ़ाए पड़ी भाई आवक तो हुई तब बहन आवक हुई जब आवक हुई तब खर्च हुई जब कुल खर्चा हुई आवक कई बहन करी तो मतलब कर्जा लिया बेसिक शिक्षा अधिकारी है। अच्छा अच्छा बताइए चाचा कि अब जैसे हम पटेल लोगों ने बात करत रही ना अभी तो अनुप्रिया पटेल हैं यहाँ पे 2 बार से सांसद बन ले उनके बहुत सारा पटेल लोग वोट करते हो नहीं हुई कुछ लोग कुछ पटेल ना वोट करते हैं कितना पटेल उनके वोट करेलन और कितना पटेल ना ही वोट करेलन उनने कुछ लोग तो नहीं करता जैसे यह लोग बटा लेलन ये मन आ गए कहा दूजने ठड़ा हो गए कहते उड़ा तो मास्टर आ गए तो के आ गए तो कुछ दू चार बटेबे करे लेकिन कोनो प्रभाव न पड़े कितना कितना 100 में से कितना पैसा अनुप्रिया के जाए 100 में से कितना पैसा अनुप्रिया के न जाए 100 में अनुप्रिया पटेल के 75 तो जावे करी 75 पैसा उनने चल जाए पटेलन का वोट हाँ अच्छा अमन कोनो शंका नहीं और वोट और लोग बिरादरी के वोट जाए हमारा बिरादरी का ही और जाए ऐसे में लोकप्रिय है अनुप्रिया लोकप्रिय नहीं अच्छा नहीं सकी लोकप्रिय हो गई देखा मिर्जापुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवे बहन कहीं कितना अथवा बेड के प्रोजेक्ट उनकर बाग गंगा जी से यहाँ मिलावे के सड़क उन बराबर क्षेत्र घूमते हैं क्षेत्र उनसे खुश हुआ क्षेत्र खुश होने उनके कार्यकाल से उनसे का यही बताइए अभी अनुप्रिया पटेल का करवाई इन इलाके में देखा सड़क वाला काम करेबे के लिए वहाँ मिर्जापुर वाला काम करेबे के लिए डगमगपुर में नया स्टेशन बनल हो डगमगपुर में नया स्टेशन बनल और वहाँ वहाँ और कुछ बनल बा अनुप्रिया पटेल के कार्यकाल में अब का बा हमार के हर एक चीज याद तो बा नहीं लेकिन कार्य काले उनकर बहुत सराहनीय बा ये बताइए जाए अभी अनुप्रिया पटेल फिर से सांसद बन जाई हैं या न बनी है तो चुनाव के चुनाव चुनाव में देखल जाए जनता का मूड जनता तय करी हो तो ये बताया जाए जे भी सांसद आए अनुप्रिया पटेल आए चाहे रमेश बिंद आए ठीक है का करें उनके का करे के वही यहाँ पे यहाँ के विकास बदे यहाँ के काम धाम बदे यहाँ के लोगों के रोजगार बदे कहा कि हम इतना जाना था कि मिर्जापुर में चाचा आप लोग भी बता सकते हैं हमको आप लोग बतावल जाए कि मिर्जापुर में बहुत फैक्ट्री वैक्ट्री तो हो ना हाँ लोगों के काम ढूंढे तो इतना बड़ा जिला हो पहाड़न में फैलल हो कुल वहाँ से सुरला बच्छाओं सुरला जाला सोनभद्र चंदौली सबके बॉर्डर छू के निकले लाई ना तो केहू को पता नहीं हो कि यहाँ पे काम हो सब कोई बाहर जाए ले आधा लोग बनारस जई हैं आधा लोग इलाहाबाद जई हैं कुछ लोग सोनभद्रो जाए लें क्रसर वसर पर काम करे बदे कुछ लोग चंदौलियों जाए लें बालू आलू का काम करे बदे हाँ कलो दूसरा दूसरा राज्य में चल जाइल यहाँ पे काम धाम बदे का हो के का करे के हुई सांसद के अगर सांसद यहाँ अनुप्रिया पटेल हो गई तो कोई फैक्ट्री वगैरह बैठा दे जैसे यहाँ तमाम सब पहाड़ी इलाका बा सोनपुर से लेके कुल पहाड़ है मिर्जापुर में ना हमारे क्षेत्र में कुल मार खाली जगह बा कहो ना बहुत बड़ी फैक्ट्री कौन चीज का बैठा दे जोने 1,000-2,000-4,000 आदमी के गुजारा हो जाए बस यही काम विकास कहा ना बैठे लेन 10 साल से कहा ना बैठे लेन अब भाई अब पता नहीं अब उनका जो कुछ हो अभी तो हमने प्रोजेक्ट लाई है प्रोजेक्ट आया हुआ है कौन सा प्रोजेक्ट आया हुआ है भाई क्या नाम है आपका रिफाइनरी अवधेश सिंह पटेल अवधेश भाई हाँ रिफाइनरी आई है तेल आयल का डगमगपुर एरिया में डगमगपुर में हाँ शुरू हो गया है प्रोजेक्ट में आ गया है शिलान्यास हो चुका है शिलान्यास हो चुका है कब हुआ शिलान्यास भाई अभी 2023 में हुआ है चुनाव के 1 साल पहले जी और आपके चुनार स्टेशन के बगल में एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जो बनने जा रहा है जो यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट होकर के विदेशों तक जाएगा जैसे सब्जी हुआ मिर्चा हुआ टमाटर हुआ वो फ्रेट कॉरिडोर जो होता है जी वो लाई हैं हाईवे जैसे बनी गया है उनके विकास के नाम पर उनका विकास अगर देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाई हैं हॉस्पिटल यहाँ आ गया हाँ आप क्या करते हैं दोस्त ये अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है किसका इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पे इसे अतरौली खुर्द में जी अच्छा ये आपके साथ के तो आप जैसे यंग दिख रहे हैं मुझे हाँ आपके साथ के बहुत लड़के होंगे सब कोई दुकान खोल के बैठा है कोई काम धाम भी कर रहा है भाई आप उनकी मर्जी है काम करे आप बैठे रहे आप लोग भाई सर्विस भी कर रहे हैं हाँ तो कहाँ काम धाम करने कहाँ जाते हैं लोग यहाँ पे इस इलाके से कहाँ पर नहीं जैसे भाई भाई साहब का दुकान है सूर्य सिंह पटेल जी का
वहाँ पर अपना और कार्य करते हैं, और कुछ लोग बनारस करते हैं, कुछ लोग बाहर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ करते हैं। अच्छा, मिर्जापुर में क्या काम क्या क्या किया जा सकता है, जैसे अगर सरकार काम करे तो मिर्जापुर में सरकार क्या क्या काम कर सकती है कि लोगों को फायदा हो? भाई यही है कि एक वहाँ पर यह बोली है अनुप्रिया जी की, एक प्लांट बैठाने वाली है यहाँ पर कच्छा में, भाई वहाँ प्लांट बैठ जाएगा तो भाई लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, दो चार जो लड़के जो भाग करने जा रहे हैं वहाँ जाकर वहाँ करेंगे, यही है उनका। और भाई उनका काम तो एकदम अच्छी है भाई, सब मोदी भी कर रहे हैं सबका विकास, सबके साथ चलो, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, विकास होना चाहिए। हाँ। भाई वो तो आप लोगों को भी हमको भी दिख रहा है, हमको तो आपकी नज़र से दिखता है जो भी दिखता है। जी जी, हम आप तो जनता हैं, हमको तो आप लोग बताएंगे कि विकास हुआ है तो हम मानेंगे विकास हुआ है, आपने बताएंगे विकास नहीं हुआ तो हम मानेंगे विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है भाई, अब घर घर पानी लग गया, सड़कें बन गई, शौचालय है, शौचालय हो गया, आवास मिल गए जिसको मिलना है, बिजली नहीं मिल रही थी, बिजली मिल रहा है, बिजली नहीं मिलती थी पहले 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे कभी वो भी नहीं, लेकिन अब ये तो नहीं है, कम से कम बिजली 18 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी ट्रांसफार्मर जल जाता था तो लग जाता था 1 महीने ट्रांसफार्मर जब जल जाता, हाँ लगवाने में, लेकिन इस बार मतलब इस सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में 24 घंटा में आपका व्यवस्था अप टू डेट है, केवल आपको वो कर देना है, सूचना दे देना है, आकर के आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा। हाँ भैया, ऐसा कि जैसा कि इस सरकार में अनुप्रिया जी का अपने 10 साल कार्यकाल में आपका नया हाईवे बना जो कि रामनगर से लेके बनारस से अकल जी आपके एमपी बॉर्डर तक बन गया और 4 लेन हाईवे बन गया, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना था, कोई सरकार अमल में नहीं ला रही थी, इस लोगों ने इसको जल्द से जल्द तत्काल पूरा कराया। उसके बाद आप रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर देख रहे हैं सर, ये काफ़ी तेज़ी से काम हुआ और एकदम रनिंग में है, और इनका सबसे बड़ा मिर्जापुर जिले के विकास के जो सबसे बड़ा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अपने यही चुनार के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो गया है और उस पर बहुत कई फैक्ट्रियों का उस पर काम शुरू होने वाला है, जल्द से जल्द चुनाव के बाद हो सकता है उसका शुरू हो जाए। तो मिर्जापुर जिले के लिए इन्होंने सतत प्रयास किया, सतत विकास हो रहा है, और यहाँ के युवा अगर आप देखें तो मिर्जापुर के लिए डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय कितने बड़े बड़े सर काम हो गए, और एक विश्वविद्यालय की जस्ट अभी शिलान्यास हुआ है उस पर भी काम होने जा रहा है। मतलब आगे वाले समय में कुछ मिर्जापुर के युवाओं को मेरे हिसाब से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ही विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे, यहीं पर फैक्ट्री लगेंगे, यहीं के लोग यहीं पर काम करेंगे, बाहर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मतलब 2-4-5 साल और 4-5 साल और 2-4 साल की बात है। और दूसरी चीज़ की जितना मिर्जापुर को कोई नहीं जानता था जिले को, लेकिन जब से अनुप्रिया पटेल जी सांसद बनी है और जब से मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार चल रही है सर जी, यहाँ पर किसी चीज़ की जो मतलब विकास का पहिया बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अभी भाई साहब ने कहा कि बिजली की बहुत समस्या, और लोग सोचते थे कि यार बिजली कब आएगी, कब, मतलब ये स्थिति था पिछली सरकारों में कि लोग तारों पे कपड़ा सुखाते थे, और आज स्थिति हो गई कि यार गांव में लोग एसी लगा के मजे ले रहे हैं बिजली के, और सड़कों यही सड़क आप आए होंगे सर, इमलिया चट्टी से हर जमुई वाली सड़क पे सर 2-2.5 घंटा 17 किलोमीटर जाने लगता था, और आज 15 मिनट में साला आदमी मिर्जापुर पहुँच जा रहा है। एक बात बताइए, लेकिन ये वाली इमलिया चट्टी से ये वाली सड़क क्यों नहीं बन पाई? काम हो रहा है, बन रहा है, बन रहा है, इमलिया चट्टी से हम घुसे तो सड़क बहुत खराब मिली, काम लगा हुआ है और इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये सर 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 16 किलोमीटर की रोड है और 17 करोड़ 50 लाख का प्रोजेक्ट है, और बहुत तेजी से काम हो रहा है, और एलिवेटेड रोड बन रही है जो कि अपने उत्तर प्रदेश में ये दूसरा रोड बन रही है, इस तरह का दूसरा रोड बन रहा है सर उत्तर प्रदेश में। तो सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास, और जितने ही पिछली सरकारों को जो काम था ना सर काफ़ी पीछे था, तो इसलिए सरकार को अब नए सिरे से नए तरीके से काम हो रहा है। अब अभी तो छोटे जैसे आवास हो गया, ये सब तो बहुत छोटे छोटे चीज़ हो गए, और सबको सर राशन भी मिल रहा है, सबको समय से सब कुछ मिल रहा है, खाते में सब्सिडी का पैसा आ रहा है, किसान के खाते में पैसा आ रहा है, पहले बिचौलिए पैसा खा जाते थे, अब तो सीधे किसान के खाते में पैसा आ रहा है, जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा, तो और विकास क्या चाहिए। 4 लाख 3 लाख 75 हज़ार वोटों से पिछली बार उन्होंने रन किया था, 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास, इस बार भी आंकड़ा 3 लाख प्लस का आंकड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से विकास उन्होंने किया है सबका मतलब सबको लेकर चलते, चाहे उनको जाति वर्ग से किसी से मतलब नहीं है, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं है, वो सबको लेकर चलते हैं, पूरे जिले के लोगों को लेकर चलते हैं। उनका जो उनका घर का लड़ाई है, घर उनके घर में लड़ाई है उनकी मम्मी उनकी बहन से, सुन लीजिए, अब वो लड़ाई तो है, अरे सुन तो लीजिए, निजी मामले की सुन तो लीजिए, वो लड़ाई तो घर की लड़ाई होती तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर की लड़ाई तो सामने आ गई ना, पॉलिटिक्स में आ गई, वो अपना दल कमेरावादी बना ली उनकी बहन और उनकी मम्मी, कमेरा वाला
तो आप लोग क्या मतलब कमेरावादी के मतलब इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ना कि पटेल समाज है ना, वो भी पटेल समाज की नेता है, ये भी पटेल समाज की नेता है, ये बात गलत तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, तो आप लोग कमेरावादी को क्यों नहीं समर्थन करते हैं? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं या कोई और कारण है इसका? नहीं, बात नहीं है कमेरा का, वो अलग पार्टी इनसे बना ले ली, सबसे पहले पार्टी बनौ ली, इनका कार्यकाल सबसे पहले निकल गया, वो इनके विपरीत में लग ली चली, अगला चुनाव सपा के सिंबल पर लड़ी थी ये जो है अंत में पल्लवी। कौन है उससे हम लोग जुड़ते हैं? सोने लाल जी का कौन उत्तराधिकारी? पटेल के पापा जी, उनका असली उत्तराधिकारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, इसलिए उनसे हम लोग जुड़े हैं, उन्हीं को मानते हैं अपना नेता, बस नेता उन्हीं के नाम पर चल रहे हैं जो सोने लाल पटेल का, सोने लाल पटेल। अच्छा, हाँ, वो त्याग किए और वही जो है इनको आगे बढ़ाए, हम लोगों को भी आगे है, पटेल को बढ़ाने वाला वही आगे है। अच्छा, और सोनेल पटेल का अगर असली उत्तराधिकारी ये हो जाती तो उनकी अनुप्रिया पटेल की मम्मी और उनकी बहन हो जाती तो? अब हो जाती तब ना, पार्टी टूटता ही क्यों तब? अगर सब लोग एक साथ रहता तो सर पार्टी का और टूटता ही क्यों? और वो गलत गलत तरीके से गठबंधन, जिससे उनकी बहन जो पल्लवी पटेल आज कमेरावादी बना हुआ है, अननेसेसरी गठबंधन बना रही है, तमाम दुनिया के लोगों के जोड़ रही है, तो उसका कोई औचित्य नहीं सर, वो सब लोग नकार चुका है, जान रहा कि आगे कोई है, लेकिन बिलय नहीं किया है भाजपा में, अपना पार्टी खड़ी की है ना वो स्वयं, ये तो नहीं है कि भाजपा में जाके बिलय हो गई, पार्टी अपना अलग खड़ा की, अलग खड़ा की है पिताजी के नाम पर, ये तो जो है कहीं सपा में जा रही हैं तो कांग्रेस के साथ जा रही हैं तो कहीं कुछ जा रही हैं, और टक्कर में नहीं रहता, एक साथ रहती पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल तो कोई टक्कर में नहीं रहता मिर्जापुर में, कोई टक्कर में नहीं रहता ना मिर्जापुर में, क्या फूलपुर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खासकर टक्कर में कोई नहीं रहता, नहीं रहता। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि अब आप लोग ये हमको ये बताओ छोटा सा कि अनुप्रिया पटेल के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, बड़ा फोन आवा था आपके चाचा, अरे बहुत बड़ा चीज है, बड़े चीज है, बड़ा चीज है गाँव के, क्या ज्यादा रहती है, सामाजिक है बहुत ज्यादा, सबके ये समाज के लिए और हर गांव के हर तबके के लिए खड़े रहते हैं, तो इसलिए आपका सोशल बहुत नेटवर्क अच्छा है। ये क्या है, AIFB क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है भाई, चुनाव चिन्ह शेर सबको मिलेगा, आप लोग क्या नए कोई नया प्रत्याशी है क्या आप लोग का? मिर्जापुर के समीर सिंह पटेल हैं। अरे आवाज इधर नहीं आएगी। अच्छा, एकदम नया प्रत्याशी है कोई आपका? जी जी जी। अच्छा, समीर सिंह पटेल। अच्छा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा 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 अच्छा, सुभाष चंद्र बोस वाली पार्टी, तो वहाँ उससे खड़ा किए हैं आप लोग। तो आइए आप लोग भी झंडा वंडा रख दीजिए, आइए बात करते हैं हम लोग, बैठ जाइए, हम लोग बता रहे हैं अधिकतर कुर्मी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, गाँव आप लोग का यही पड़ेगा ना, ब्लॉक में हम लोग का गांव है इसी ब्लॉक में, आइए आइए झंडा वंडा नीचा कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, सबको मिलेगी MSP। MSP चाचा क्या होता है, फसल पे MSP बड़ा लड़ाई हो रहा है चाचा? MSP पता नहीं क्या बोला है, MSP पर धान गेहूँ बिकता है, सरकार कहाँ जाता है MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं चाचा, आपको पता नहीं है MSP के बारे में? नहीं, MSP के विषय में ये जान लिया कि जो सरकार किसी फसल का जो मूल्य सरकार लगा रही है वो किसान खुद अपना खुद स्वयं लगाएंगे उसका, MSP का मतलब वही होता है, इसी को लेके वहाँ लड़ाई हुई थी अभी बहुत ज्यादा, वासु गैस का गोला है तो बहुत कुछ हुआ था, मतलब कोई भी फसल है उसका एक तय दाम हो गया कि हम कोई तुम्हारी आपकी फसल है कि 2,000 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, अब मौसम हो, बाढ़ आए ना आए, सूखा पड़े, सरकार 2,000 रुपए क्विंटल पे खरीदेगी, खरीद रही सरकार, अरे कहीं कहीं ना खरीद बा, 2,200-2,300 कितना ओकर सरकारी रेट निर्धारित देतना बा, सरकार का रेट जो है 2,275 है, लेकिन किसान बेच रहा है 24 का गेहूँ बेच रहा है इस समय ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट 24 का बेच रहा है, जब समर्थन मूल्य 2,275 है, तब हम किसान की मिलता ना बाहर, किसान प्राइवेट में ज्यादा बेचेगा इस बार जो है कोई किसान नहीं समर्थन मूल्य पर जा रहा है गला लेकर के, सब अपने अपने घर से बेच रहे हैं, किसान सरकार को नहीं बेच रहा, नहीं ये साल तो नहीं बेच रहा है, ऐसे कि भाई उनको फायदा है जब 150-200 क्विंटल का, जहाँ 2,275 रहा है, जहाँ 24 मिला है उसको, तो जो है मतलब फायदा तो किसान पर निर्भर करेगा, ये फायदा सरकार को नहीं दे रही किसान को, सरकार को देना चाहिए, लेकिन जब हमको मिल रहा है जो हम बेच रहे हैं अपना, हम मौके पर हमको काम जरूरत है पैसा आज की, हम सरकार को जो है कि हमारा काम चलाएंगे बेच कर करना,
सरकार 2400 कर दे तो सरकार वो बेचेंगे, जब फायदा मिले धान के बीच हम लोग जब बनिया खरीदते थे 2218 का, हम लोग बेचे धान सरकार 22 का। गांव जो आपका जो प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट आदमी का दाम भी मान लीजिए 2400 रुपया, भैया नाम क्या है आपका? राम सेवक जी, मान लीजिए ये प्राइवेट आदमी है, ये भी खरीद रहे हैं 2400 में, हम सरकारी जनसमर्थन मूल्य पे आपको हम भी 2400 में खरीद रहे हैं, आप हमारा भी दाम 2400 रुपया, इनका भी दाम 2400 रुपया, हम में से किसको बेचेंगे आप? इनको बेचेंगे तो हमको फायदा ये होगा, उनको हम भाड़ा देंगे, किराया देंगे, तोल देंगे उनको, यहाँ 24 का ले लेंगे तो हमको फायदा है, हम अपना फायदा उठाएंगे। तो हमको आपसे खरीदने के लिए कितना करना पड़ेगा, इनसे ज़्यादा करना पड़ेगा? ज़्यादा हम भेज देंगे आपको, हम 2600 कर दें, चाहिए 2400 कर दें, तब तो ज़्यादा करिए, जब गला हमको दे देंगे, हाँ दे देंगे तब भाई, हाँ भाई हमको फायदा जान लगता हम जाएंगे, हम हर एक आदमी जब फायदे की तरफ जा रहा है तो हम बराबर रहेगा, तब भी नहीं ज्यादा रहेगा क्योंकि माल ढुलाई वगैरह ये सब का भी ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका खर्च हो जाएगा ज्यादा, भाड़ा लगी सब लगी उसमें ना, तो भाई 100 रुपया क्विंटल हम के फायदा हुई तो मिल वहाँ भाई से, इस धान हम लोग इस बेचे हैं समर्थन मूल्य पर। तो ये सरकार अगर आप ये कह रहे हैं 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, अनुप्रिया पटेल का भी काम अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ये बात कभी अनुप्रिया पटेल से उठाए कि सर की खरीद का दम तय कर दिया जाए? किसान उसान बहुत लड़ रहा है ना, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे ना, बड़ा किसान उसान लड़ रहे हैं कि फसल का दाम सब नियत कर दिया जाए, इस पे बातचीत हुई कभी? बातचीत होती है सर, वो भी बोल रही है अपने सरकार से मांग करती हैं, किसानों के लिए भी लड़ती हैं, बात करती हैं किसानों से, वो सरकार से भी किसानों से बात करती हैं। 18 से आज 22 का रेट पहुँचा, 22-25 गेहूँ, पहले 18 का बिकता था समर्थन मूल्य, 20 हुआ, 22 हुआ, 15 से आज 22-75 मांगे के ऊपर बढ़ रहा है। आप रामसेवा जी तब आप प्राइवेट को बेच रहे हैं तो उधर सरकार दाम बढ़ाई जा रही है, आप प्राइवेट को बेचे जा रहे हैं, लाभ जहाँ मिलेगा सर मिल जाएगा सुविधा के। सोसाइटी का इस बार तो प्राइवेट को कर दी है लेने देने के लिए, पहले जैसा नहीं हो गया, इस साल शायद गवर्नमेंट भी प्राइवेट कर दिया है, मतलब सोसाइटी गवर्नमेंट का है और खरीद बिक्री प्राइवेट शायद कर रहे थे। 54 क्विंटल का जो है हमारे यहाँ हो गया सर सत्यापन, लेकिन जब हमको फायदा नहीं तो हम नहीं भेजे, 54 क्विंटल का हमारे नाम से सत्यापन हो चुका था सरकारी में, लेकिन हम लोग नहीं भेजे, जैसे कि जब हमको इससे ज़्यादा एक चीज़ बताइए, आप लोग नहीं देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि अरे भैया 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 आप हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, देखिए ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी फसल है, ये बात इसलिए ज़रूरी कि आप सब इतने लोग किसान होंगे आप लोगों में से, ठीक है, कोई भी फसल जो है उसका दाम बहुत ज़रूरी है ना, एक कहावत है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले दो, ठीक है, तो आपने कायदे से फसल उगाई, मेहनत से अगोर किया, जानवर न खाए, बारिश पानी से बचाया, उसको धूप से बचाया, अब आपके यहाँ फसल हो गई, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ फसल हुई हो अच्छी, आपके आसपास के आपके मौजे में आसपास के 4 खेत में फसल खराब हो गई हो, जानवर खराब कर दिया हो या बारिश से खराब हो गया हो, आप बचा ले गए, तो ये क्या करेंगे अब? अब ये तो दाम गिरा देंगे, तो प्राइवेट आदमी हैं, इनके तो हाथ में दाम है, तो सरकार के अंडर में है नहीं, ये तो दाम गिरा देंगे, तब आप किसको बेचेंगे? हमको जहाँ लाभ मिलेगा सरकारी पर जाएंगे, हम प्राइवेट ज़्यादा प्राइवेट को दे देंगे, बस मूल मतलब यही है, अगर हमको जहाँ फायदा मिलेगा 100 रुपये का तो हम उधर जाएंगे, जहाँ फायदा मिलेगा वहीं जाना भाई, जब सरकार की जो हो जाएगी हमने अपना फायदा कर लिया कि अपनी अमाउंट जो है तो हमने दाम बढ़िया तब बेचा, हमको आज जरूरत है पैसे की, कल सांसद यहाँ से कल उनसे पूछा कि हम आज अपन काम चलाइए। अभी किसान क्या है ना कि अभी यहाँ पर कायदे से ठीक से अगर सही कहा जाए तो किसान अभी भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भ्रमित ज़्यादा है कि जैसे अभी आपने बताया कि बनिया जो है ज़्यादा पैसा देते हैं कम, क्या किसानों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, किसान को तत्काल जरूरत पड़ती है सर, और जरूरत और जो कि सही भी है, जो कि सही भी है, तो किसान को जहाँ पैसा ज़्यादा मिले वो बेचे, क्योंकि कभी अभी फीस अभी पता चला कि कल हमको यार बच्चे की फीस जमा करना है या कल हमें दवा खरीदना है, तो सोचेगा यार जल्दी से करके अपने खेत को अच्छे से खाद पानी दे दे तो समय से हमारी फसल हो जाए, मजदूरी देना है, बिजली का बिल भरना है, किसान चाहता है कि हमें नगद पैसा मिले और हम जल्दी से जल्दी बेच के खाली हो जाए, हमें ज्यादा सरकार से मतलब पैसा भी देर में मिलता होगा थोड़ा सा क्या? अब तो पहले से काफी सुधार हो गया, अब तो अब तक खत्म तुरंत डायरेक्ट तुरंत आ जाता है कि एक हफ्ते के हफ्ते में पहले महीनों लगते थे, शनिवार को हम अंगूठा लगा सोमवार को मेरे खाते में पैसा आ गया, तीन दिन के अंदर आ गया, हाँ 3 दिन के बाद हमको शाम को पैसा हमारे खाते में आ गया। बनिया कितने देर में देगा? बनिया तो भाई अब उनके 2 दिन तुरंत दे देगा जी, तुरंत दे देगा बनिया से, जैसे जितने दिन का रखना चाहे उतने पर अपनी डीलिंग पे, डीलिंग पर एक दिन दो दिन चार दिन उधार देगा, अगर वो कहेगा हमको 10 रुपया बेची देंगे 15 दिन बाद पैसा देंगे, भैया 10 दिन बाद पैसा देना, हम 15 अपने फायदे का है, बस किसान के वही है भाई, जो हमेशा काम उसका है ना, फुटकर काम हमेशा लगा है उसके, अब सरकार के अगर हम लोग जो है ये बढ़ाए वो बढ़ाए तब जो है काम हो,
तब कहाँ तक हम लोग सफरेंगे? किसान किसान की जरूरत आज है, सरकार कल आएगी तो हम उसे उसको नहीं इंतजार करेंगे, अपना मौका पर जो मिलेगा करेंगे। अपन एल और से कहते कि भैया जौन प्रचार कर था तो प्रचार कर रहा, अपन काम लिखा, हम लोग दूसरा प्रचार करते थे। आप एक प्रचार कर दूंगा? हाँ, हम अनुप्रिया पटेल का प्रचार करते थे। अनुप्रिया पटेल का प्रचार कर रहे थे? आप लोग एक प्रचार कर दो भैया? समीर सिंह। समीर, अच्छा हाँ, दिखेला आप लोग कोई पार्टी से नहीं, निर्विरोध है। सुभाष चंद्र बोस है ना? पता नहीं पार्टी इनका, नहीं पता इन्हें, इनका क्लास लगावा पहले, गलत गलत कार्यकर्ता लिख ले। सुभाष चंद्र बोस मतलब ये जो पार्टी है भाजपा का, प्राथमिक करा करके क्लास कराइए उनको, उसके बाद प्रचार कर। पता है लेकिन ये क्या है कि बात मत, पहला बात है कि जैसे मीडिया के सामने जब भी लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम होता है तो कभी होता है ना, ये स्कूल में जब होता है पहले लोग प्रार्थना हाथ जोड़े करते थे, अब माइक से हो रहा है तो इंसान को थोड़ा सा घबराहट होती है, होगी आपको भी होगी हमें भी होगी, अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं। अरे समझ रहे हैं मालिक, इतना सफाई नहीं देना। नहीं नहीं बता रहे हैं जो बात है तो उसी के लिए बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को कैसा काम लगता है? आप लोग तो ऐसी पार्टी से हैं जिसका अभी लोग मीडिया में नाम नहीं लेते हैं, आप सुनते होंगे मीडिया वाले कहाँ लेते हैं? मीडिया में तो हम लोग जाते हैं सपा भाजपा बसपा कांग्रेस यही सब सुनाई देता है हमको, तो में आप लोग जाते हैं अभी छोटी मोटी पार्टी की पर नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग अभी आज जाने की पार्टी, एक पार्टी का ये पार्टी पुरानी पार्टी है, इसके लिए हम लोग वैसे हम लोग लड़ाई किसानों के लिए है और गरीबों लोगों के लिए है। हम लोग का मुद्दा ये है कि गरीब बहुत पीछे हैं मिर्ज़ापुर में, मेन देखिए आप विकास कुछ है नहीं, गड्ढा है छोटे छोटे गली में, हर जगह गड्ढा है छोटे छोटे, जैसे हॉस्पिटल हो गए और तो बोल रहे थे सड़क वड़क बन गई अच्छी है। आप सामने देखिए गड्ढे नहीं दिख रहे हैं आपको, काम जोरों से रहा और यहाँ पर काफी लोगों से आप पूछ लीजिए, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में कितना काम हो गया, इतना काम हो गया। मिर्ज़ापुर जिले को लोग कहते थे फिल्म बनी थी अभी कुछ दिन, मिर्ज़ापुर कौन सा थी अभी, लेकिन उसको ऐसा नहीं है, ऐसा है बिल्कुल है हॉस्पिटल है। नहीं नहीं मिर्ज़ापुर की ही बात बता रहे हैं। एक मिनट सर, कौन से स्कूलों में नमक रोटी बन रहा है बताइए ना, अभी विद्यालय खुला दूं, यहाँ राशन भरा हुआ है, यतरौली कला गांव है या कहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मिलों के हिसाब से खाना बन रहा है, हर दिन अलग अलग खाना मिलता है। ये मिर्ज़ापुर के स्कूल का बता रहे हैं जिसका वीडियो 4 साल पहले वायरल हुआ था, वह याद है ना, एक बच्चों को रोटी और नमक खिलाया जा रहा था, उसके बाद उसका निवारण भी हुआ है। आप 4 साल पुराने मुद्दे को अगर आज उठाएंगे तो उससे पहले उसका निवारण भी तो हुआ है। इन्होंने भाई साहब ने बोला कि मिर्ज़ापुर में विकास नहीं हुआ, मैं इनको थोड़ा गिना देता हूँ, 2014 के बाद मिर्ज़ापुर में कुछ भी नहीं था, मेडिकल कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, अभी बिंद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है, लाजेस्टी पार्क ही चुनार में बना है, सरदार पटेल आयात निर्यात केंद्र चुनार में बना है, हाईवे बना है, ये रोड की जो बात कर रहे हैं इनको मैं बोलूँगा कि बहुत मात्र 5 किलोमीटर आगे जाएं रोड बनता हुआ आ रहा है, ये किस कहाँ पे सोए हैं कि इनको मिर्ज़ापुर में विकास नहीं दिखाई दे रहा है बताइए। 10 साल हो गए, 10 साल मैं उसके बाद बता रहा हूँ आपका, आप उन्हें आंखें खोलिए, जिले पर जो विकास हुआ है आप उसको देखिए कि जिले पर कितना विकास माननीय सांसद जी ने किया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बात करो पुल की बात, पुलों का जाल बिछ गया। एक मिनट, अभी आप लोग जाते थे 50 रुपया पीपा के पुल और पैसा लग के जाता था, और सर पीपा की लाइन लग गई यहाँ से वहाँ तक पीपा के, और उसके बड़े बड़े पुल बन गए, अभी 17,000 करोड़ रुपए का नया ब्रिज बन रहा है, 6 लेन का बन रहा है अपना चील शास्त्री सेतु, उसके समानांतर पुल बन रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया, और कितना विकास चाहते हैं? बिल्कुल, अब आप गड्ढे की बात बिल्कुल बोल बोलेंगे, सामने आप देखिए, देखिए सामने बीच रोड पे तो 10 साल में सर आप ये बताइए, 10 साल में ये गड्ढा आप नहीं हटा सकते थे? ये खाली भैया ये बोल रहे हैं कि भैया ये बोल रहे हैं कि सड़क उधर से बनते हुए आ रही, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 साल में ये चीज क्यों नहीं हुआ, ये चीज चुनाव के वक्त ही क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं 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 डेढ़ोना स्कूल का हम लोग के डेढ़ोना गांव में जा करके रोड देखिए, वहाँ का 2-4 साल से वैसे है, गड्ढा है, हम लोग का नहर में घुस जाती है। बोलिए भैया एक बात बताइए, अच्छा ठीक भाई, हल्ला एक बात बताइए भैया, कैमरा छोड़ दीजिए, एक बात बताइए कि सुन लीजिए भाई साहब, जैसे अगर हम ये पूछें, अगर ये सवाल हम रखें आप लोग के सामने, तो आप लोग को कैसा लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन बताइएगा कि पटेल समुदाय को, कुर्मी समुदाय को, जैसे हम जाते हैं किसी जाति में जाते हैं तो उनका होता है कि आरक्षण हटाओ, कुछ का होता है आरक्षण बनाओ,
बचाओ, कुछ का होता है कि हमको नौकरी दो, रोजगार दो, कुछ का होता है किसी चीज़ का दाम कम करो, कुछ का होता है कि ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना। कुछ मांग बहुत अल्लम गल्लम होती है, एकदम मानने लायक नहीं होती, सुन के लगता है कि हंस दें, ठीक है। कुछ मांग होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो कुर्मी समुदाय की, यूपी के खासकर पूर्वांचल में जो आप लोग ज़्यादा, आप लोग की जनसंख्या पूर्वांचल में ज़्यादा है, तो क्या मांगे हैं कुर्मी समुदाय की जो जिसको पूरा किया जाए, जो भी सरकार आए, जो भी प्रधानमंत्री आए, वो उन मांगों को पूरा करे, क्या लगता है आप लोग को? चाचा आप बताइए जाए, आप तो बूढ़ पुराना हुआ। अब हम लोग तो बहुत नबत या सकल है, लेकिन किसान आदमी के हम लोगों का मांग ही है बाकी उचित ढंग से हम उनके बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, सिंचाई का साधन पानी मिल जाए और बिक्री मिल जाए, हम लोगों के क्रय विक्रय के साधन बराबर मिलल चल जाए, सबसे अच्छा। अभी तो आप बता रहे सब सही चला तो चल चलता है बा, तब का चाहो तो नहीं नहीं वह कि ढंग से जैसे मिला था तैसे मिलत रहे बराबर, ऐसे और अच्छा मिले, जो चला तो वो चलत रहे। चाचा आप घुमाव दो गांव में, नहीं हमके घुमाव दो चाचा, नहीं बात नहीं और उससे ज्यादा सुविधा मिले, जैसे केंद्र जो हमारे यहाँ समिति पर लगती है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दे कि भाई गांव गांव जाके खरीद हो जाए, गांव से माल लोड हो जाए, किसी को कहीं जाने की जरूरत न पड़े, दाम सही सही मिल जाए, सही सही मिल जाए, सुविधा उसका बढ़ाया जाए, सबको घर मिले, सबको पैखाना मिले, है ना सरकार दी है ना, सबको सब मिलना चाहिए, लेकिन सब किसी को नहीं मिल रहा है, पानी सबको मिले, हम लोग अभी नल नहीं करा है, मोदी जी के पहले ही अली सरकार में शौचालय बना, 200 करोड़ शौचालय पहले बार ही बना था, क्यों नहीं लगा सबको आ रहा शौचालय? प्रधान क्या अप्लाई किए थे आप? जी प्रधान के अप्लाई, प्रधान तो अपने चलता है, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता, हम लोग क्या अप्लाई करे सर, ऐसे करता प्रधान जी, प्रधान मारपीट करता जी, करता है मारपीट। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम बिहारी है। कौन गाँव? एक ग्राम भभौरा है, जमाल जो एक पट्टा है, पट्टा किसी को 10-20 किया है, किसी को 2-20 किया है, किसी को वो भी नहीं किया है, भूमिहीन को किया है। सर वो एक हमारे गांव के नीचे में आता है एक भूली गांव, और वहां पे सर पानी के लिए बहुत मांग है सर, इतनी औरत रो रही थी कि सरकार हम सबको वोट दे देंगे पर हमारे लिए पानी एक व्यवस्था करी, उसके लिए सर जी देखिए बहुत बच्चे कर रहे थे। अभी हम लोग प्रचार कर रहे हैं ना, इस समय हम इस समय फिलहाल में प्रचार कर रहे हैं, भैया बोले विकास हुआ, अभी इस यहाँ पे फिलहाल में हम लोग इस गांव में गए हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं कि भैया देखिए घर टूटा हुआ है, घर टूटा हुआ है, हमारे लिए कम से कम मकान बन जाए, सरकार बहुत आई मकान अभी बना नहीं, सब लोग रो रहे, खाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? सब अनाज में ऐसी हालत है भाई। अरे यहाँ पे अभी इस गांव में हम लोग भी प्रचार का क्या है, वहाँ पे तो राशन नहीं बट रहा है, राशन बट रहा है लेकिन राशन से कुछ नहीं होगा, मकान तो रहना चाहिए, पानी बारिश होगी तो कहाँ रहेंगे, बाहर तो रहेंगे नहीं, मकान भी तो जरूरी है। ये कौन सा गाँव था? अरे नहीं नहीं ये वाला जी, अभी यहाँ पे सब लोग रो रहे थे, बोले रतराओं में राशन नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है, घर वर नहीं मिला है और तमाम तो चीजें, जैसे जो पात्रता है तो सर उसके लिए तो चल, जो सर पात्र है उस लायक सरकार के आवेदन करे, प्रधान से आवेदन करे, प्रधान नहीं सुनता, BDC को करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सर आवास तो सबको जो जो पात्र है उनको आवास आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे गांव में भी सरकार ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, जिसको जो लेना है सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो चुकी है, किसी के लिए कोई बंद नहीं दरवाजा। विपक्ष ने एक बार हवा उड़ाया कि जातिगत जनगणना, मैं आपसे माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी पूर्व बहुमत से, यूपी में सरकार सपा और BSP की थी पूर्व बहुमत से, तब उनको जाति जनगणना की याद क्यों नहीं है, इसी सरकार में उनको जाति जनगणना की याद क्यों आ रही है? और दूसरी बात जो उन्होंने भाई साहब ने बोला कि मिर्जापुर में MSP का मतलब लागू, मैं आपको बता दूं जहां तक हमको याद है सदन में सबसे पहले MSP का मुद्दा माननीय मंत्री जी ने उठाया, तनुप्रिया पटेल जी ने, किसानों को उसका हक मिले, ये आप सदन में उनका रिकॉर्ड बयान है आप उठा देख लीजिएगा, वो सत्ता में रहने के बाद भी जो किसानों को लिए और जो दलित समाज जितना वो आवाज़ उठाती हैं उतना हमको नहीं लगता कि विपक्ष के भी सांसद आवाज़ उठाते हों। की बताइए हम जैसे बहुत सारे गाँव में बहुत सारे लड़का लड़का लोग मिल रहे हैं तो सब बोल रहे हैं कि भैया हमको नौकरी का दिक्कत है, नौकरी तो पूरे पूरा कर लेते, सरकार आ जाए सबके नौकरी कोई नहीं दे सकत, कांग्रेस करे पहले रहा कहने सबके नौकरी दे दिले, घर में 4 बच्चा बात पैदा बैठे हैं 76 करके हम बैठे हैं, हमको क्यों नौकरी नहीं मिली,
अगर नौकरी उनको देना ही था तो हम लोग नौकरी नहीं दे सके क्षेत्र से आज तक। क्षेत्र का आईटीआई करके बैठे आपको नौकरी नहीं मिली। हाँ हमारे लड़का वो जमाने में के उन्होंने के कांग्रेस के जमाने में सीटीआई करके बैठल बा, केंद्र सरकार से सीटीआई, केंद्र सरकार का ट्रेनिंग कानपुर से, नौकरी नहीं मिला। इस सरकार में नौकरी के योग रहेंगे तो नौकरी मिलेगा, नौकरी के योग्य रहेंगे तो नौकरी मिलेगा। मिल भी रहा है। हमारे यहाँ एक लड़की है जो कि अभी नेपाल की परीक्षा पास की है। हमारे यहाँ चार लड़कियाँ हैं जो कि टीचर बनी है इसी सरकार में, इसी वैकेंसी में आउट हुआ। जो ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, जो पढ़ने में सही है उसको नौकरी मिल रही है, उसको मिल रहा है, कह रहे हैं जो लायक है मिल रहा है, नौकरी उन्हीं को नहीं मिल रही है जो फर्जी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। चाचा फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं, इसे बताएंगे आप? चाचा देख लीजिए, हम नहीं बोले हैं, समझा दीजिएगा माइक बंद होने के बाद। आज की मैं बता रहा हूं, मैं लड़ाई लगवा के जाऊंगा यहाँ से। बताइए, मैं बता रहा हूँ, यही से बहुत से लड़के यूपीआर में जब संक्षेत्र में आई किए हैं तो उस समय जो पुराने कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बा निश्चित चाकरी भीख निदान, तो उस समय नौकरी से ज्यादा महत्व लोग कृषि को देते थे। हम खुद कृषि को महत्व दिए हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं, ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं उस समय। बोला नौकरी नहीं मिला तो नौकरी मिला था आपको, नहीं किया आदमी ने मिला आपको छोड़ दिए ना। उत्तम खेती तो देख रहे हैं, नहीं ऐसा बता नहीं बोल रहे, नौकरी मिला था चाचा जो पढ़े लिखे आप पहले बहुत पहले बोला छोड़ दिए। जब 2200 रुपया 1800 रुपया का नौकरी रहा, 1600 रुपया का, जब 1600 रुपया पर 9 रुपया पर मास्टर टीचर ही करते रहो, जब तक से घरे के पिसान ना जाए, सीधा लड़का ना दे मास्टर के, तब से उनके खाए ना आटे। वो जमाने का बता रहा, उत्तम खेती मध्यम बात। आज 50 बीघा कहे बराबर एक नौकरी के बराबर हो, अगर उसके पास 10 बीघा जमीन है तो उसके लड़के का शादी कायदे से ना होई। अगर एक ठे चपरासी हो ओकर कायदे के शादी हो, ओकर कायदे का मेहर मिली, ओकर कायदे का दहेज मिली। आज के युग तो नौकरी तो कायदे की शादी के लिए नौकरी होना चाहिए, कायदे की शादी के लिए नौकरी होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए तो पढ़बे तो नौकरी है, सबके तो नौकरी है चाचवा। पढ़ेंगे आप जो ओरिजिनल लड़का है, ओरिजिनल जो लड़के हैं पढ़ने में उनको कोई काट नहीं सकता, कई जगह से काटेंगे। जो फर्जी है आजकल तो तमाम साल नौकरी दे वाला डाड़े डाड़े पर घूमत है, और लोग में झांसा जाता हो, झांसा में पड़ जाते हैं, पैसा वैसा फिरवा देते हैं ना, झांसा में पड़ रहे हैं। हाँ हमारा ही लड़का जैसे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, पढ़ा प्राइवेट, आज एक कंपनी चार कंपनी सरकारी नौकरी केवल नहीं होता है, प्राइवेट भी कर सकता है। प्राइवेट वाले अच्छा बात, प्राइवेट में हमारे एक नाती काम कर ला बंगलोर में, अगर सरकारी में करवा तो 28-30 हज़ार पर ही, 1,25,000 पा रहा है महीना। जब सभी करे लगी तो खेती बाड़ी सब पड़ती हो जाएगी, जब सब कर सभी चल जाए नौकरिया करा तो ज्योति के का खैया लोग इतना बड़ा खेती होती क्या संभाली। आप लोग इतना बढ़िया खेती होती, लड़का चल गए बंगलोर नौकरी करे, अब हम लोग बूढ़ा हो गए जी तो क्या देखिए। समझावा इनने? हाँ तो वो तो कहत है वो लड़के, बताओ समझावा आप इनके कहत हुआ ना। हाँ देखा कहत हुआ, इतना बड़ा बड़ा खेती बड़ा बड़ा बने ला लड़का चल गए बंगलोर। फर्सा खट गए देखा वो लड़कवन के कहा जाए कि तो करे के है नहीं, चाचा के तय चाचा पुराने जमाने के हैं। आज खेती इनका 10 बीघा है, लड़का इनका कोठे घर करे चाहते हैं, ये न हर जोत ले हैं, हम जोत ले ही लड़का को जोते चाहते हैं खेत। सब हम लोग यहाँ से चट्टी चल जाते हैं, और लड़कवा ही मोटरसाइकिल से जाते हैं, कहे जाते हैं लड़का 60,000 1,00,000 रुपया महीना कमाए लगे इनका लड़का, और इन हर जोते तुरंत 2,500 कमाते रहो। अब बताओ तो का खेल जाओ, लड़कवा नहीं सुना तो नहीं, अब खेको न दे चाहे तो कहें देरी कर दिला नहीं खिलका तो का कर जाओ, अब मरल जाओ चाहे जियल जाओ, लड़का बात नहीं सुने ला। अरे भाई सब ही का लड़का बार कि हमारा लड़का बार, आप अपने लड़का का बताओ। आप अपने लड़का का बताओ। एक एक बाप जो है चार लड़कों को पढ़ा लिखा करके टाइट कर दिले है, चार लड़कन के पढ़ा लिखा के टाइट कर लेते, जब चारों लड़का सर्विस लगन करे काम लगन करे तब बाप के 2 रुपया के मंगा कर दो। वो तो मोदी सरकार का राज आए कि 4,000 अथवा 6,000 रुपया किसानन के खाते में डायरेक्ट लगल दे कि बुढ़वन के आँस पुछाए लगे, नहीं तो 1 रुपया भी मंगा रहा। लाइकवन गड़बड़ निकल गई सबका लड़का का, वो तो 6,000 खाता में आप चार लड़का बहन साहब तो चारों लगला नौकरी करा
हाँ तो बाबू माई के क्या देखी कह अरे वो नहीं हम कहे दे उन पैसा दे के अलन हम कहे दे भैया वो नहीं देवे कोई रुपया तो हम कहे दे तो मरा चाहे दिया चारों आपस में लड़ता उनके बाबू माई के पैसा के दे हाँ। कि तू नहीं दिला तो हम कहे दे हाँ। तो बताओ कहाँ से जी इतना बदमाशी भैल ना तो बदमाशी बाल बच्चे के पाल के पढ़ा के लिखा के अब नौकरी लगा दिल हाँ अब कमाए लगल तो अब हमें पैसा न दी है अब हम का खाब तब घर कैसे चला था चाचा आपका घर कैसे चला था आपका अच्छा ही चला लात पा खाल दिया था देता मान लाते मुझे मार के कि अब तो नहीं लोग माना मगर जिससे हम कहा तो कहीं अरे बैठे बैठे का के लड़ सकता फल दे बात मोदी के राज में लगल मिले मोदी के राज में 15,000-1,000 रुपया वो लगल मिले 6,000 रुपया खेत के लगल मिले किसान सम्मान निधि योजना 6,000 वो लगल मिले ऐसे बुढ़वन का गुजारा हो गया 6,000 रुपया कितना कितना दिन में मिलेगा साल भर में 6 रुपया मिले 6,000 में लग जाए 6,000 रुपया जैसे जिंदगी काटे बदले ना ही हो लड़के 1 रुपया नहीं नहीं देते और तो 6,000 देता वो कहला ना कि नौकरी करके आओ तो 1 रुपया नहीं देते 1 रुपया नहीं कहा पान खाए के जरूरत बा हमें कहीं जाए के जरूरत बा तब कहाँ से आई तो 6,000 दे सरकार सम्मान निधि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया वो दिया 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहा है कितना चाहिए 18,000 रुपया हो गए राशन दे तो मुफ्त के खा कितना खावे नहीं नहीं वो तो समझ गए हम तो बस देखो हम ये समझ रहे थे ना कि चाचा जी से बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये सरकार दी ठीक है 6,000 रुपया समर्थन राशि होती है चाचा है कि नहीं वो किसी चीज़ का देखिए 6,000 रुपया क्या है आप कहीं बैठे होटल में खाना खा लीजिए 500 रुपया लग जाता है आपका आदमी का पान का पत्ता नहीं 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 हम बता रहे हैं सुनिए नहीं नहीं हम बता रहे हैं एक बुढ़वन के लिए जहाँ 1 रुपया नहीं रहा तहाँ का 6 रुपया बहुत है जहाँ 1 रुपया लड़के नहीं दे रहे थे वहाँ पर 6,000 रुपया उनको बहुत है 1,000 रुपया कम से कम महीना पेंशन मिला था 18,000 रुपया मिलल 12,6,18 लड़का 3 कलेक्टर हो गलन कहते हैं कलेक्टर हो गलन 1 रुपया नहीं देते कहे लड़का के सही नहीं करता वो बैठौले बैठौले बहन अलन तो सोचे बोलन चाहे वो नहीं बोल कि 10 रुपया बाबू मंगबे कल लड़का है तो मुर्गा बना था पकड़ के ओके मुर्गा बना के खा जाता है मुर्गवा पकड़ के कुछ खा जाता है अरे नहीं हम बोल रहे लड़का के मुर्गा बना था स्कूल में बनाओ तो मास्टर साहब लड़का के पकड़ के मुर्गा बना था चलो मुर्गा बनो पैसा नहीं दे रहे हो पढ़ा लिखा के तुमको बड़ा किए पढ़ाई खिवाओ पढ़वाया कह के वह कपाल पर पढ़ाई दिवाओ चाहता है इतना इतना बड़ा थोड़े हो जाएगी पन ही मारे लगे पन ही मतलब जूता होता है बाप कैसे देख ले हो बाप मुरादा आप झूठ बोल रहे हैं ये अपने यहाँ कई ठे शिकायत आलू जन कि बाप बाऊ के मारा था बिठवा नहीं प्राइमरी का मास्टरन के काट के लड़का फेंक देना नौकरी रिटायर हो से 1 साल पहले खाली पैसा पेंशन के चक्कर में नहीं रिटायरमेंट के पहले फेंक लेने के नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए हाँ नौकरी हमें हो जाओ तो बताओ ऐसे हत्या कौन करी नौकरी के सरिया में आदित्य मास्टर साहब रहे हैं रिटायर हो गए हैं पेंशन में तो पेंशन खातिर दूसरे ले जा रहे हैं एक मिला फरसा ले काट दे वो रिटायर भैले के 2-4 साल के बाद में खाली आपस में कि हमें इतना देते हमें दे तू खर्चा के मत रखा मैं पहले दे चचुरा पकड़ के टाली पर बैठा के ले जाता बुलेट पर बैठा के और वहाँ बैंक में गैलन पैसा निकलना उन गिनलन उनके हाथे से पैसा लेलन उनके छोड़ दिलन पैदल आवे थे मर जाए पैदल उनके घरों नहीं पहुँचावत ये स्थिति है बुजुर्गों की ये बुजुर्गों की स्थिति है नहीं तो मोदी सरकार बहुत काम किया मैं वही देख रहा था कि कम से कम 18,000 रुपया दे तो रहा है नहीं मैं वही कह रहा था इनसे मैं वही कैमरे में बोलने जा रहा हूँ कि जो गाँव के बुजुर्ग होते हैं गाँव के जो लोग होते हैं जो बड़ी उम्र के होते हैं उनके साथ एक समस्या है सर्वाइवल की क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में खेती जमाई है उन्होंने अपने ज़माने में अपना पूरा कई एकड़ की कई जोत की खेती जमा दी है अब लगता है उनको कि कोई देखे आगे आने वाली पीढ़ी देखे लेकिन आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ नौकरियों की तलाश में हैं नौकरियाँ कर रही हैं उनके भी अपने कंसर्न होते हैं उनके भी अपने अपने इरादे होते हैं कि वो गाँव से बाहर निकलना चाहते हैं शहरों का रुख करना चाहते हैं एक अलग भिन्न किस्म का जीवन जीना चाहते हैं वो एक अलग कंसर्न है लेकिन यहाँ पर
एक अलग किस्म की इस बातचीत में हमने एक चीज़ पाई है कि गांव के बूढ़ पुरान अपने बच्चों से ही थोड़ा ज़्यादा परेशान है, और ऐसे में जब किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार जब देती है तो उनको ये लग रहा है कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है। मतलब जैसे चाचा ने कहा कि लालवर्ती सिंह ना, इन्होंने जैसे कहा कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है, कम से कम 6,000 अगर उप सरकार हमको दे रही है, 6,000 हमको सरकार दे रही है, तो लड़का तो हमको 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, और लड़के को बोलना, लड़के को कुछ भी बोलना मतलब हिंसा को बढ़ावा देना है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभावना है। तो कहानी यहाँ अटकी हुई है। बाकी चुनाव की चर्चा, चुनाव की यात्रा सब जारी रहेगी। मैं हूँ सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।